स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हैं आप? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो में बताए गए कि रेलवे में लाखों भर्तियां कब निकलेगी और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर विस्तार से आप लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे पुलिस फोर्स में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर में 9739 सहायक लोको पायलट और तकनीशियन ग्रेड के 27019 पद, ग्रुप डी के 62907 पद, आरपीएफ में 9500 पद और 978 रिक्तियों के लिए अधिसूचना जारी की है। वहीं खबर ही रेलवे जल्द ही बंपर भर्ती निकालने वाला है। ये भर्तियां भारतीय रेल के विभिन्न जोन और विभागों में की जानी है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय रेलवे में बहुत जल्द 2,48,895 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करने वाला है। खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। खबरों की माने तो इस भर्ती अभियान के जरिए सहायक स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर और गैर तकनीशियन लोकप्रिय कैटेगरी और सुरक्षा कर्मचारी के लाखों पदों पर भरा जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि रेलवे के सभी जोन में ग्रुप सी पोस्ट में 2,48,895 पद खाली है, जबकि ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों में 2,070 पद खाली है। अधिसूचनाओं के अनुसार कुल 1,28,349 उम्मीदवारों को ग्रुप सी पदों लेवल 1 और छोड़कर के लिए पैनल में शामिल किया गया है। 30/6/2023 तक अधिसूचना के अनुसार लेवल 1 पदों के लिए 1,48,280 उम्मीदवारों को 30/6/2023 तक सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय रेलवे पर समूह ए सेवाओं में सीधी भर्ती मुख्य रूप से यूपीएससी द्वारा की जाती है। यूपीएससी और डीओपीटी पर इंटर लगाया गया। कब करें अप्लाई? रेलवे में बंपर 2.4 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती की जानी है। भारतीय रेलवे जल्द ही इन भर्तियों के लिए अधिसूचना जारी करेगा। जैसे ही अधिसूचना जारी की जाएगी, योग्य उम्मीदवार रेलवे में भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे की जॉब के लिए कहां कर सकते हैं अप्लाई, तो चलिए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले उम्मीदवार रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट जो कि indianrailways.government.in पर जाएं। इसके बाद RRB या RRC की चयन करें। उसके बाद जिस फील्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका चयन करें। उसके बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन देखें। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करें। अब आवेदन शुल्क का भुगतान करें। अंत में आवेदन सबमिट बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की जुड़ी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कुछ वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।